हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिकेट जोन। और आज की वीडियो यार पूरी देखना, क्योंकि आज हम कुछ ऐसा नया लाए हैं जिसमें आपको मोटिवेशन भी मिलेगी और मज़ा भी आएगा एक्चुअली देखने में। क्योंकि आज मेरे साथ मेरे बचपन का यार भीम मेरे साथ है और हमने साथ क्रिकेट खेली है और खेलते भी हैं। और तो आज बात करेंगे हम। और भीम, क्या हाल है? बढ़िया। तो सबसे पहले हम भीम से पूछेंगे कि भीम, क्या जर्नी, कहाँ से क्या चेंज आया लाइफ में उसकी? क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा मोटा होता था, बहुत ही ज़्यादा, मतलब देख के हमें भी हंसी आती थी, अब यार क्या मोटू सा आ गया मोटू। तो भीम, क्या यार आज इतना पतला हो गया, मतलब कैसे चेंज आया यार इतना? मेरे को पता ही है यार, बाकी अगली चल मैं बता देता हूँ। 2010 की बात है, जब बी आर एन ट्रॉफी खेल रहे थे, तो तब से ही मेरे को हुआ था कि मेरे को युवराज सिंह से मिलना था। मेरे को बड़े अच्छे लगते थे और तब से मेरे को हुआ कि यार मेरे को मिलना है, पर भैया इतना मोटा था, तेरे को पता है भैया मिलवाते नहीं थे, उनको शर्म आती ले जाते हुए। फिर मेरे को हुआ कि यार नहीं यार मेरे को तो मिलना है, तब से मेरा क्रिकेट का स्टार्ट हुआ। मैंने स्टेडियम ज्वाइन किया, मेरे को पतला होना है। घर वाले स्टार्टिंग में सपोर्ट करते थे कि चल यार कुछ नहीं होगा तो पतला हो जाएगा। स्टेडियम जाना ज्वाइन किया, फिर शुरू किया, साइकिल में जाते थे तब। फिर स्टार्टिंग में हुआ कि प्रॉब्लम्स आती थी, मोटा इतना होता, साइकिल में जाते हुए लगता था कि कब पहुँचेंगे। साइकिल चढ़ते थे पुल पे। जब रनिंग होती थी स्टार्टिंग में सर भगवाते थे, मैं छुपा होता था, इधर छुपा होता था, कभी उधर छुपा होता था, पानी के बहाने बाहर गायब। फिर जब राउंड कंप्लीट होता फिर घुस जाते थे बीच में। हाँ चल, इतने दिन यहाँ खेल रहा तू है ना, और उसके बाद तू यार चंडीगढ़ चला गया, तो वहाँ मतलब क्या सोच के गया था चंडीगढ़ तू? चंडीगढ़ यही था कि सीरियस हो चुका था, पता लग चुका था कि अब रिजल्ट्स आ रहे थे, पतला हो रहा था, घर वालों को भी लगा कि यार कुछ करना चाहिए। सही बात है, उन्होंने भी हेल्प की कि फैमिली बैकग्राउंड क्रिकेट का ही चल रहा था, भैया खेल चुके थे, तो मेरे को भी हुआ कि मेरे को इसमें ही अपना गोल सेट करना है, इसमें ही अपना करियर बनाना है। फिर सेवन क्लास में था तो छोटे होते थे, स्टार्टिंग में चंडीगढ़ जब शिफ्ट हुआ तो हॉस्टल में करवा के गए पेरेंट्स। हॉस्टल में प्रॉब्लम ये आती थी, मैं गया था क्रिकेट खेलने के लिए, वहाँ भेजते थे वो स्कूल। वार्डन पीछे आता, चुप करके बंक करके जाना पड़ता था, फिर वार्डन को पता लग गया, तो पीछे आना स्टार्ट हो गया। फिर वहाँ से मेरे को परेशान हो गया, मैं तो यहाँ नहीं रह पाऊंगा। मैंने घर फोन करना स्टार्ट किया कि मेरे को ले जाओ यहाँ से, मेरे को बाहर रहना है। फिर यही हुआ कि वहाँ से हॉस्टल छोड़ा, उन्होंने हॉस्टल छुड़वाया, फिर भैया के साथ ही शिफ्ट हो गया था मैं। अब वहाँ से क्या प्रॉब्लम आती थी, जीरकपुर से 15-16 किलोमीटर पड़ता था, दूर इतना पड़ता था कि रोज आना जाना पड़ता था स्कूल के, स्कूल भी जाना है, फिर वहाँ से एकदम ग्राउंड भी जाना है, खाने में इतनी प्रॉब्लम होती थी मैनेज करना, बस यही चलता था। उसके बाद मैं भी वहीं आ गया था, फिर हम साथ में शिफ्ट। अबे तुझे वो बैटरी वाली है वो याद है तुझे अपनी? उस पर ट्रिपलिंग करके जाते, इलेक्ट्रिक स्कूटी थी वो। अच्छा वो बता दे एक बार, वो पुलिस वाला किस्सा जो हुआ था, ट्रिपलिंग जा रहे थे ग्राउंड, जाते ट्रिपलिंग करके आते, तू मैं शैंकी होता था, हम साथ रहते थे। अब वो यहाँ जा रहे थे, जब 36 से जा रहे थे, 37 से आते थे, लाइटों में पकड़ लिया था पुलिस वालों ने पीछे लगा के कि भाई लगा साइड में, साइड में लगा। मेरे अंकल बैटरी वाली दे दो चला ले यार, वो दिन थे वो हैं, एक दिन थे। स्कूल लाइफ अलग ही मजा था, स्ट्रगल भी बहुत था स्टार्टिंग में, एकदम से जाना, कंपेयर होना के खेलना है भी है और मैनेज करना सब कुछ, पढ़ना भी है, पढ़ाई भी मैनेज करनी। तो एक ऑलराउंडर है, तो यंगस्टर्स को बता यार कितनी टफ जॉब है कि एक ऑलराउंडर होना। ऑलराउंडर होने के लिए सबसे पहले अपना ध्यान रखना पड़ता है फिटनेस पे, और मैं फास्ट बॉलर ऑलराउंडर हूँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे को अपनी फिटनेस पर ध्यान रखना पड़ता है। इंजरीज इतनी आती हैं, उसके लिए डाइट का ध्यान रखना, साथ में बैटिंग पूरा मैच खत्म होने के बाद ओपनिंग भी करनी, इनिंग खत्म होने के बाद, खत्म होने के बाद फिर अपना उस पर भी ध्यान रखना कि भाई फील्डिंग भी करनी है प्रॉपर, उतना ही एफर्ट देना है, एनर्जी लेवल बहुत चाहिए। उसके लिए स्टार्टिंग रूटीन यही रहता है मेरा कि सुबह उठना, पहले फिटनेस वगैरह करना, ट्रेनिंग करना अपनी अलग, फिर ड्रिल्स वगैरह करना बॉलिंग की, फिर शाम को नेट वगैरह लगाना, जिम करना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, उस पर ध्यान रखना पूरा। और यार मेरा खर्चा भी ज़्यादा होता है क्योंकि मेरे को दोनों रोल प्ले करने हैं, बॉलिंग का अलग खर्चा है मेरा, बॉल्स अपनी कैरी करनी है, बैटिंग का तेरे को पता ही खर्चा कितना होता है, सामान इतना महंगा आ रहा है, तो सबसे इम्पोर्टेंट एक ऑलराउंडर होने की जगह डाइट का मेन इतना ध्यान रखना पड़ता है, फ्लेक्सिबिलिटी हर चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होती है तेरे को पता है। उसके लिए मान लो फ्लेक्सिबिलिटी का क्या रोल होता है, मेरा मान लो मैच में इतना हाथ जाता है बिल्कुल, और अगर वो इतना चला जाए तो मेरे को इंजरी हो सकती है। उसके लिए मेन क्या चीज़ है, सबसे अच्छी चीज़ योगा, मैं योगा करता हूँ फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, बहुत बेनिफिट भी कर रही है वो। अच्छा अबे यार कई बार ऐसा भी तो होता है ना हमारे साथ कि आज बैटिंग नहीं करने का मन कर रहा, चल बॉल कर लेता हूँ आज, है ना, ऐसा भी होता है क्या तेरे साथ?
यार वो प्रॉपरली होता है, बतेरी बार होता है जब प्रॉपर रेस्ट ना हो. रेस्ट तेरे को मतलब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर मैच खेल के आए हैं प्रॉपर 8 घंटे की नींद अगले दिन नहीं लेंगे या इतनी ओवर ट्रेनिंग हो गई है और उसके लिए 8 घंटे की नींद जरूरी है, अगर वो नहीं होता अगले दिन मन करता है, बॉडी टायर्ड रहती है कि यार छोड़ आज नहीं करता, वो होता है, वो नॉर्मल है. उसके लिए रेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. जितने हम ट्रेनिंग करते हैं हर चीज़ करते हैं उतना ही बॉडी के लिए रेस्ट इंपॉर्टेंट है. अच्छा यार एक बात बता, मतलब कि जैसे देख अब ट्रायल्स होते हैं, ट्रायल्स देने जाते हैं प्लेयर्स, तो ऐसा नहीं है कि देख सभी सेलेक्ट हो जाते हैं, है ना? अब जो बेस्ट होगा वही सिलेक्ट होता है, जो डिजर्विंग है. अब जो सिलेक्ट नहीं हो पाते, अब डिसअपॉइंटमेंट भी होती है उन्हें, है ना? तो उस डिसअपॉइंटमेंट से कैसे डील करें? डिसअपॉइंटमेंट यार पार्ट ऑफ लाइफ है. सही बात, वो हर चीज़ में आता है. कोई भी स्पोर्ट्स है, बिजनेस है, हर चीज़ में ही आता है वो, कुछ भी चीज़ कर लो. बट उससे डील करना सबसे इम्पोर्टेंट है. उसके लिए मेंटल इतना स्ट्रांग होना पड़ता है कि यार तुम्हें नहीं नाम है, हर किसी का नाम तो आ नहीं सकता. 15 जनों की टीम बननी है एट द एंड, नाम हर किसी का नहीं आ सकता. उससे कभी एक तो बैक ऑफ ना करो, वो पार्ट ऑफ लाइफ है, वो तो वही तुम्हें और स्ट्रांग बनाएगा नेक्स्ट ईयर. पूरे साल मेहनत करना फिर नाम नहीं आना, उससे कभी डिसअपॉइंट मत हो. उसको एक तरह से पॉजिटिव लो कि यार नहीं मेरे को आना है, आना है और मेहनत करनी है. कभी उसको लेट डाउन मत करो अपने आप को कि यार बैठ के मत रह जाओ कि नहीं होगा नहीं होगा, वो तो फिर कभी भी नहीं होगा. उससे अच्छा अपने आप को पूरे साल दोबारा तैयार करो और सब से याद करो, और बेटर ही होंगे उस चीज़ और से. बेटर ही होंगे बिल्कुल. जितना और सब कर रहे हैं जो टीम में है उनसे दुगना करो कि यार नहीं मेरे को करना है, मेरे को करना है, मेरे को करना है. वही चीज़ तुम्हारे अंदर आ जाएगी, तुम्हारा गेम इंप्रूव होता जाएगा. और एक गोल टारगेट करके, गोल टारगेट करके अपना सेट करके कि यार मेरे को करना है, ऐसे करना है, कैसे करना, वो कभी लेट डाउन मत होने दो. होप ना लूज करो, करते रहो बेटर यार, वो तो एट द एंड जाके फायदा होगा. देख चल मैं तेरे से एक और थोड़ा पर्सनल सा क्वेश्चन करूँ, तो मतलब जो सभी क्रिकेटर्स की लाइफ में आता है, तो मतलब जो हमारी क्रिकेटिंग लाइफ है वो कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ भी में भी इफेक्ट करती है क्या? मतलब जैसे जो हमारा गेम वगैरह है अच्छा नहीं हो रहा, बेकार हो रहा है, तो वो हम ग्राउंड से बाहर चले जाते हैं, फिर उसके बारे में सोचने लगते हैं, तो वो चीज़ सोचनी चाहिए या नहीं है, ग्राउंड तक छोड़ देनी चाहिए वो? देखो अगर वो चीज़ पर्सनल लाइफ और क्रिकेट लाइफ इन्वॉल्व करोगे तो तुम अपना बेस्ट कभी दे ही नहीं पाओगे. ना वो पर्सनल लाइफ में बेस्ट दे पाओगे, ना वो क्रिकेट लाइफ में, उसकी टेंशन घूम, उसकी टेंशन. अगर तुम बैटिंग करने जा रहे हो, तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो तुम अपना फोकस लेवल कर नहीं पाओगे. उसके लिए बहुत चीज़ें प्रैक्टिस होती हैं, अलग प्रैक्टिस होती हैं अपने आप को कैसे फोकस करना. बट एट द एंड अगर तुम अपना उस मोमेंट में बेस्ट दे पाओगे, और चीज़ें भूलना बहुत ज़रूरी है, बट उससे करना कि यार क्या गलती थी वो लो. फेलियर्स तो यार एक तरह वही होते हैं कि सिखाते हैं हर चीज़ में है. उसको अब तुम लेके बैठ जाओगे यार कि मैं क्या करूँ, ये करूँ, करूँ, अपना टेंशन है, वो तुम इम्प्रूव नहीं कर पाओगे, फिर और डाउन होती रहेंगी. हर दिन एक नया दिन है, उसको वैसे लेके दिन से स्टार्ट करो, बस वही बात है. अगले मैच में स्टार्टिंग से जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, वैसी ही लाइफ है, सही बात है. अच्छा अभी तूने वीडियो में बताया शुरू में कि तूने वेट लूज़ किया, तो लोगों को ये बता तूने कैसे इतना यार वेट लूज़ कर लिया अपना, है अब तो तू पतला हो गया बहुत. यार वेट लूज़ करना सबसे इम्पोर्टेंट, वेट लूज़ करने के लिए तुम्हारी डाइट सही होनी चाहिए. अब इतना छोटा होता था यार, क्या 12-13 साल एज थी उस टाइम, और उस टाइम इतना ध्यान रखना मुश्किल होता है. वेट लूज़ करना वैसे ही बड़ा मुश्किल है, पर सुबह उठना, रनिंग करना, मैं इतना कुछ खाता था बाहर का, एकदम से सब कुछ छोड़ना, मीठा भी नहीं खाना, डाइट पे कंट्रोल करना भाई, कुछ तला हुआ नहीं खाना, कुछ नहीं खाना. बहुत चैलेंजेस आए, बट पूरा दिन ट्रेनिंग करना, उसके बाद अपना प्रैक्टिस भी करना, प्रैक्टिस पे भी ध्यान देना पड़ता है, उसके बाद जिम जाना, योगा करना, फ्लेक्सिबिलिटी का अपना पूरा ध्यान रखना पड़ता है, हर चीज़ ध्यान रखना पड़ता है. और सारी मैंने तली हुई चीज़ें छोड़ दी उस टाइम कि यार नहीं मेरे को करना है, खेलना है तो करना ही पड़ेगा. और स्टडीज़ कैसे मैनेज करता था इन सब चीज़ों के बीच में, कि फिटनेस भी करनी है, खेलना भी है, ट्यूशन भी तो जाना होता था उस टाइम. ट्यूशन तो मैंने लगाई कॉलोनी के पीछे, स्टार्टिंग 6-7 तक मैंने ट्यूशन लगाई, उसके बाद ट्यूशन लगाई नहीं, खुद ही मैनेज करता था कि एग्जाम्स आते तो यार पढ़ने, एग्जाम से एक हफ्ता पहले मैं पढ़ने बैठता था. तो घर वाले प्रेशर नहीं देते थे क्या, पढ़ ले, खेलता रहता है, भागता रहे ये और वो? स्टार्टिंग में होता था यार कि घर वाले पीछे भागते थे, फिर उनको लगा कि यार नहीं चल इसका यही लाइन है, तो फिर उन्होंने सपोर्ट करना पूरा स्टार्ट कर दिया कि यार कोई नहीं तू एग्जाम बस तू पास हो जा, मेन वही मैटर करता है कि बस तू पास हो जा, बहुत है हमारे लिए, बहुत है इतना. तो कहाँ जरूरी बात होती है, कौन सी होती है बात जरूरी, कि तेरे गेम में रिजल्ट आना, कि उन्हें लगना कि ठीक है चल पढ़ाई में पास हो रहा है बहुत है, कि गेम में रिजल्ट उन्हें दिख रहे थे क्या, ये बता.
गेम में रिजल्ट उन्हें दिख रहे थे, परफॉर्मेंस अच्छी होती जा रही थी, फिटनेस इंप्रूव हो रही थी, पढ़ाई में भी मैं पास हो जाता था कि ये नहीं है कि बिल्कुल ही डल हूँ, 50-60 नंबर आ ही जाते थे कि ठीक है हाँ बस हो गया, क्लियर हो गया, बहुत था उनके लिए वो। और तेरी बॉडी लैंग्वेज को देखते हो तो मोटा था, स्कूल में क्या फेस किया तूने? स्कूल में यार बड़ा फेस किया मैंने, फोर्थ फिफ्थ में तो इतना मजाक उड़ाते थे सारे कि यार मोटा आ गया मोटा आ गया, मैं देख के रोता था उन्हें कि यार नहीं यार मैं कहीं जा नहीं पाता था, कहीं जाता था सारे आसपास के मजाक उड़ाते थे हाथी 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 आ गया। तो अब क्या चेंज है लोगों का तुझे देख के? अब वही लोग देख के मोटिवेट होते हैं, स्मार्ट पूछते हैं कि यार कैसे किया कैसे किया, अब वही लोग मोटे हो रखे हैं। तो एट द लास्ट तू यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेगा? यंगस्टर्स को यार यही कहना चाहूंगा, कभी डिमोटिवेट मत हो, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, हर चीज में आएंगे, आते हैं यार, कभी छोड़ो मत, अपना जो गोल है मतलब सोचा हुआ है उसको लग जाओ यार पूरे, अगर नहीं करना तो फिर मत ही करो, मत ही करो, अगर करना है तो उसको इतने अच्छे से करो कि यार तुम्हारे से बेटर कोई कर नहीं, उसको बीच में ना छोड़ो, उसको बीच में मत छोड़ो, कोई भी चीज हो, जरूरी नहीं है क्रिकेट या कोई भी गोल हो, उसको बीच में मत छोड़ो, लगे रहो उसकी तरफ, डेडिकेटेड रहो, और एट द एंड सक्सेस तो मिलेगी। सक्सेस तो सक्सेस के मतलब ये नहीं है कि तुम सक्सेस के लिए मेहनत करो, तुम अपने आप को इंप्रूव करने के लिए करो, सक्सेस तुम्हारे पास जरूर रहेगी। यार भीम बहुत मजा आया है, चलो ओके ओके।